और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्री परिषद समिति के साथ बैठक करेंगे। निवेश संवर्धन को लेकर ये चर्चा की जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि मंडल से करेंगे मुलाकात। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्री परिषद समिति के साथ बैठक करेंगे, निवेश संवर्धन को लेकर ये चर्चा होगी। हमारे साथ जुड़ गए हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्री परिषद की समिति के साथ बैठक करेंगे, जिसमें वो निवेश संवर्धन पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल युष्मिता, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 11:30 बजे अपने निवास पर मंत्री परिषद समूह की बैठक लेने जा रहे हैं। उद्योग संवर्धन को लेकर ये बैठक है और इसमें उद्योग से जुड़े अहम बिंदुओं पर चर्चा आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। जिस तरह से कोरोना काल रहा और कोरोना के चलते कई उद्योग धंधे, चाहे वो मध्यम उद्योग हों या फिर बड़े उद्योग हों या फिर अन्य तरह के उद्योग जो स्थापित होना चाहिए थे वो हों, इनको लेकर जो कहीं ना कहीं रुकावट आई है उसमें कैसे तेजी आए, कैसे गति आए। और पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर बैठक कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि कैसे अब रिकवर किया जाए इन उद्योगों को और वो तमाम सारी जो कंडीशंस उद्योग संवर्धन नीति में हैं जिनको लेकर आज बैठक कैसे हम करने वाले हैं कि युवाओं को कैसे इनमें रोजगार मिले। अगर कोई बड़ा उद्योग भी स्थापित होता है तो उसके लिए किस तरह से फिर एक नई गाइडलाइन की जाए या फिर सरकार अपने तरफ से जो कुछ उसमें रियायत दे रही है, किस तरह से उद्योगों को आकर्षित किया जाए, क्योंकि बदली हुई स्थितियां परिस्थितियां हैं। कहीं ना कहीं आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह से पूरा देश के साथ ही मध्य प्रदेश इस लड़ाई को लड़ रहा है, ऐसे में अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए और फिर इस सेक्टर को कैसे बूम दिया जाए, ये तमाम सारी चीजें हैं आज की इस बैठक में। जब मंत्री परिषद के साथ समूह के साथ उनकी बैठक होगी, इस पर चर्चा निश्चित तौर पर होगी और अलग अलग सेक्टर वाइज, अलग अलग स्टेज वाइज इस पर चर्चा होगी और उसी के लिए एक रणनीति यहाँ से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।